हेलो एवरीवन, नमस्ते खुलम भाई, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। एंड फिर से आप लोगों का मेरे नए वीडियो पे स्वागत है। और अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कहीं पे जा रही हूँ आज, तो आप लोग मेरे वीडियो में जुड़े रहिए, तो तब पता चलेगा हम मैं कहाँ जा रही हूँ। चलो फिर चलते हैं एक साथ। मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे साथ कौन कौन है। मेरे फ्रेंड्स और मेरे नाना जी। देखो फ्रेंड्स, ये क्या हो गया हम लोगों के साथ, टायर ही पंचर हो गया। भगवान, देखो वेट करते करते हम लोगों को क्या क्या पीने के लिए और खाने के लिए मिला। किसी ने ला के दिया नसीब समझो। हाँ, हम लोगों का नसीब अच्छा भी है और बुरा भी है। अभी हम लोग चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ नेचुरल ठंडी हवा इंजॉय कर रहे हैं। और ये क्या कहा है पता नहीं मुझे। वापस गाड़ी में उठ गए। अभी थोड़ी आगे जाके खाना खाएंगे, भूख भी लग रहा है, तो फिर चलते हैं। गर्मी गर्मी इतना गर्म, तो फिर हम लोग अभी होटल में पहुंच गए हैं। इसके बाद अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं। खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर वापस चले क्योंकि सब लोग बैठ गए। उसके बाद खाना भी आ गया, तो अभी हम लोग पहले खाना खा लेते हैं। ठीक है, ये चिकन है फ्रेंड्स, तो अभी पहले खा लेती हूँ। जहाँ हमने पेट पूजा किया, बाजई होटल एंड रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ऊपर ऐसा है, यहाँ पासपोर्ट भी मिलता है। और फिर से हम लोग रवाना हुए, तो आप लोग जरूर मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अभी हम लोग वो मिलने वाला है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग मेरे वीडियो को देखते हो उन लोगों को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि मेरा वीडियो इतना अच्छा नहीं होता है, फिर भी आप लोग देखते हो, सपोर्ट कर रहे हो। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अच्छा नहीं होने से भी मेरा वीडियो इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आता करना, फ़ोन में कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत सिंपल डाल देती हूँ, आप लोग देखते हो। उसके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। लोग सोराय घाट ब्रिज पहुँच गए हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वो लोकेशन हम लोगों को मिलने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, अब तक आप लोगों को पता चलेगा। ओ थोड़ी देर वेट कीजिए, सबर का फल मीठा होता है, बोला है ना। जो भी हो, तो आप लोग मेरे साथ चलिए। आयो, ये देखो बारिश आ गया दोस्तों, क्या होगा अभी, ज़्यादा गर्मी के कारण बारिश आ गया शायद।
टेनेन, ये देखो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए कहाँ, गुवाहाटी। यस, गुवाहाटी में पहुंच के हम लोग गुवाहाटी आए हैं। यहाँ पर कल्चर का प्रोग्राम चल रहा है तो हम लोग वही आए हैं और हम लोग का भी परफॉर्म है, परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। तो ये है गुवाहाटी पे क्या कहते हैं इसे, कला केंद्र में सब कल्चर प्रोग्राम होता है और बड़े बड़े शो के ऑडिशन वगैरह यहीं पर होता है। तो हम लोग का प्रोग्राम यहीं पर है आज। हम लोग यहाँ पर हम लोग का बोडो ट्रेडिशनल डांस थाल ढूंढी वो करने वाले हैं। तो प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होगा ही। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, जल्दी जल्दी रेडी होके ड्रेसअप करके उसके बाद हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देखते रहिए मेरे साथ। अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, नृत्य दिखा रहा है अभी, तो हम लोग का बाद में है। और ये देखिए आप लोग देखते रहिए। ये है बोबीता होरमा जी, सिंगर है ये, एसएमएस सिंगर। हम लोग का बोडो नृत्य हमने नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को, सॉरी। तो कोई नहीं था मेरा वीडियो क्लिक करने के लिए, इसलिए आई एम सॉरी गाइस। আৰু লগতে আজিৰ এই সুন্দৰ ভাগত প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পীকে মঞ্চৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। এতিয়া আমি প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পীকে এনিচেন্সিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিনিধিসকলক এনিচেন্সিৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। দলৰ প্ৰতিনিধি কেইগৰাকী মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। গোপীনাথ দাস, কৃষ্ণ বৰ্মন, কবিতা মদাহী, সঞ্জীৱ কুমাৰ ব্ৰহ্ম আৰু ববিতা শৰ্মা বাইদেউ। আজি প্ৰগ্ৰাম খতম হৈ গিয়া, মই আপোনালোকক কলাক্ষেত্ৰ গান্ধাৰ কি কি আছে উসকা নজাৰা দেখা দিওঁ। ইয়াৰ পৰা দোকান দি হে ড্ৰেছ বগেৰা ট্ৰেডিশ্যনেল চিজ মিলতা ইয়াৰ পৰা। एक्चुअली यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स लोग लाल कलर और ब्लैक कलर का टीप मिलता है, थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ मिलता है, आगे भी खरीदा था तो इसलिए यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं। तो मिल गया, ले भी लिया फ्रेंड्स लोगों ने, मैंने नहीं लिया। ये देख सकते हो आप लोग लोगों का बोरो का दोखना हरोनाई और एस एम एस का मेखला सादर और बिहू थाली वो सब मिलता है यहाँ पर। आप लोग कभी आने से खरीद सकते हो, मिलेगा। तो ये देखिए ये बीच का एरिया है, यहाँ बहुत अच्छा वहाँ हुआ था हम लोग का प्रोग्राम। और यहाँ देखिए ये फील्ड इतना बड़ा है, यहाँ उधर भी है दुकान, सर्कल है ये दुकान, बीच का एरिया है। हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो गया, अभी हम लोग ड्रेस चेंज करके उसके बाद कुछ खा के हम लोग वापस जा रहे हैं घर पे, वापस कोकराझार। ये देखिए ये चेंजिंग रूम का अंदर का नज़ारा है, इतना सुंदर आर्ट किया है, देखो इतना अच्छा है। जो आर्ट किया है सब प्रकृति को लेके आर्ट किया है, मीनिंगफुल है, सब बहुत अच्छा हुआ है, सुंदर, अति उत्तम।
अभी हम लोग घर की तरफ रवाना हो चुके हैं फ्रेंड्स, और मेरे वीडियो में आप लोग अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की वीडियो बस इतना ही।